नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपने दिल्ली के श्रद्धा वोल्कर हत्याकांड के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें श्रद्धा की उसके लिव इन पार्टनर आफताब ने 35 टुकड़े करके हत्या कर दी थी और जगह जगह पर टुकड़े फेंक दिए थे। एक ऐसा ही मामला हैदराबाद से भी सामने आया है। जी हाँ, ये खबर दिल को झकझोर कर रख सकती है, क्योंकि हैदराबाद में भी 15 साल से लिव इन में रह रहे एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर के पत्थर काटने वाली मशीन से टुकड़े किए और शहर के अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। आपको बता दें कि आरोपी ने पीड़िता के पैर और हाथ अपने घर के एक रेफ्रिजरेटर में रखे थे। बदबू ना आए इसलिए फ्रिज से लेकर पूरे घर में इत्र का छिड़काव करता था। हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब हैदराबाद पुलिस को 17 मई को शहर में मूसी नदी के पास एक कटा हुआ सिर मिला था। तहकीकात करते हुए पुलिस के एक हफ्ते बाद आरोपी तक पहुंची और इस चौंकाने वाले हत्याकांड का खुलासा हुआ। दक्षिण पूर्व जोन के डीसीपी रूपेश चेन्नूरी ने कहा कि पुलिस ने बी चंद्रमोहन को गिरफ्तार किया है। वे शेयर बाजार में ऑनलाइन ट्रेडिंग करते थे। उसकी उम्र 55 साल की है। उसने जिस लिव इन पार्टनर की हत्या की उसका नाम याराम अनुराधा रेड्डी था और वो 48 साल की थी। बता दें कि दोनों पिछले 15 साल से साथ रह रहे थे। महिला काफी समय पहले अपने पति से अलग हो गई थी। उसके बाद वो चंद्रमोहन के साथ दिलसुख नगर चैतन्यपुरी कॉलोनी स्थित उसके घर में रह रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों के बीच रुपयों को लेकर विवाद हुआ था। महिला 2018 से ब्याज पर जरूरतमंदों को पैसा उधार देती थी। उनके बीच मतभेद तब पैदा हुआ जब मोहन ने उससे ऑनलाइन व्यापार करने के लिए लगभग 7 लाख रुपए लिए थे। उसके बार बार कहने के बावजूद वो उसकी रकम चुका नहीं रहा था। जब महिला ने उस पर दबाव बनाया तब उसके के मन में उसके खिलाफ रंजिश रखने लगा और उसे जान से मारने की योजना बनाने लगा। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए 12 मई को आरोपी ने अनुराधा के साथ झगड़ा किया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। उसने सीने और पेट पर चाकू से वार किया जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को टुकड़ों में काट कर ठिकाने लगाने के लिए पत्थर काटने की 2 छोटी मशीनें खरीदी। उसने धड़ से पहले सिर को अलग किया, काली पॉलिथिन के कवर में रख दिया। फिर उसने हाथों और पैरों को भी अलग अलग करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया और डिस्पोजल के लिए धड़ को एक सूटकेस में रख दिया। आपको बता दें कि आरोपी ने हर उस चीज का इस्तेमाल किया जिससे बदबू ना फैले। इसमें परफ्यूम, अगरबत्ती, कपूर सब शामिल है। यही नहीं, उसने सोशल मीडिया पर शरीर के अंगों को कैसे डिस्पोज किया जाए इसके भी वीडियो देखे। पुलिस के मुताबिक वो मृतका के मोबाइल फोन से उसके जानने वालों को मैसेज करता था और विश्वास दिलाता था कि हाँ भाई, मैं जिंदा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। 17 मई को मूसी नदी के पास अफजल नगर कम्युनिटी हॉल के सामने कूड़ा फेंकने की जगह पर सफाई कर्मचारियों को महिला का कटा हुआ सर मिला था, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग और अन्य तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल से जुड़ी गहन जांच के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान की। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता के शरीर के अंगों को उसके घर से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि ऐसी मानसिकता और बर्बरता आखिर लोगों में आती कहां से है और ऐसे लोगों के लिए क्या सजा काफी है। आपको क्या लगता है, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।